सुपर हीरो तो हम सभी को अच्छे लगते हैं। जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये आकर हमें खलनायकों और पागल वैज्ञानिकों से बचाते हैं। इन सुपर हीरो के पास कुछ बहुत ही खास तरह की शक्तियाँ होती हैं। कुछ पंछियों की तरह उड़ सकते हैं तो कुछ मिसाइलों से तेज भाग सकते हैं, और तो और अपनी आंखों से लेजर भी छोड़ सकते हैं। हम सभी ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये शक्तियाँ हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं। अंधेरे में देखना भी एक तरह की सुपर पावर है जो कई सुपर हीरो के पास है। वैसे तो हम इंसानों को ये सुपर पावर लग सकती है, मगर कई जानवरों के पास तो ये पहले से ही है। तो आखिर ये जानवर अंधेरे में देखते कैसे हैं, आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको कोई भी चीज दिखाई कैसे देती है। ये बात तो हम सबको पता है कि प्रकाश फोटोन से मिलकर बनता है, और जब ये फोटोन किसी चीज से टकराते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों की तरफ आते हैं। हमारी आंखों में मौजूद लेंस इनको रेटिना की तरफ मोड़ देता है। हमारी रेटिना पर दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इनमें सबसे पहले रिसेप्टर है कोन, जिनसे हमें रंग दिखाई देते हैं। इनको काम करने के लिए तेज और फोकस्ड लाइट की जरूरत पड़ती है। दूसरे प्रकार के रिसेप्टर्स रॉड होते हैं, और ये हमारी ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये रॉड कोन की अपेक्षा 500 गुना तक ज्यादा संवेदनशील होते हैं, इसलिए कम रोशनी में भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। जब फोटोन रेटिना से टकराते हैं तो ये इन रॉड और कोन को उत्तेजित कर देते हैं, जिससे ये रिसेप्टर नर्व सेल की मदद से दिमाग को संदेश भेजते हैं, और इन संदेशों के आधार पर ही हमारा दिमाग किसी भी चीज की तस्वीर बनाता है। जानवरों के अंधेरे में देख पाने की क्षमता को हम दो कारकों से समझ सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि वो जानवर लाइट के कितने स्पेक्ट्रम को देख सकता है। जैसा कि हमें पता है कि लाइट अलग अलग ऊर्जा के फोटोन से मिलकर बनती है। उदाहरण के लिए गामा किरणों की ऊर्जा सबसे ज्यादा और शॉर्ट वेव की ऊर्जा सबसे कम होती है। जब हम सभी फोटोन को उनकी ऊर्जा के हिसाब से क्रम में लगाते हैं तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है, जहां हम इस स्पेक्ट्रम का बहुत ही छोटा हिस्सा देख पाते हैं, जिसे हम विजिबल लाइट के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ जानवरों की आंखें इस स्पेक्ट्रम के ज्यादा हिस्से के लिए संवेदनशील होती हैं, और इसलिए वो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट लाइट को भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मधुमक्खियां अल्ट्रावायलेट और मछलियां इंफ्रारेड लाइट देख सकती हैं, जबकि मनुष्य इन दोनों को नहीं देख सकता। इंफ्रारेड लाइट अंधेरे में देखने के लिए बहुत यूजफुल होती है। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम नाइट कैमरा और नाइट ग्लासेस में इंफ्रारेड लाइट का प्रयोग करते हैं। जानवरों के अंधेरे में देख पाने का दूसरा कारण है उनकी आंखों की बनावट। जानवरों की आंखें और पुतलियां अक्सर बड़ी होती हैं। उनकी पुतलियां ज्यादा चौड़ाई में खुलती हैं, जिससे उनकी आंखों में ज्यादा रोशनी आ सके। उनके लेंस बड़े और रेटिना के काफी पास होते हैं, जिससे ज्यादा मात्रा में प्रकाश रेटिना पर आता है। उनमें रॉड और कोन का अनुपात भी काफी ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए बिल्ली में यह अनुपात 25:1 का होता है, जबकि मनुष्य में यह केवल 4:1 का होता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बिल्ली हमसे करीब 1/8 प्रकाश में ही अच्छे से देख लेती है, लेकिन कोन की संख्या कम होने की वजह से इन जानवरों की रंग पहचानने की शक्ति उतनी अच्छी नहीं होती। यही वजह है कि ज्यादातर रात्रिचर जानवर कलर ब्लाइंड होते हैं। रॉड्स में प्रकाश के लिए एक संवेदनशील पिगमेंट टोडोप्सिन भी मिलता है, जो कि अंधेरे में देखने में मदद करता है। इन जानवरों में कई रॉड दिमाग की एक ही नर्व सेल से जुड़े होते हैं, जिससे दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है और एक अच्छी तस्वीर बन पाती है। कुछ रात्रिचर जीवों जैसे उल्लू में ट्यूबुलर आंखें पाई जाती हैं, जिसमें रेटिना पर ज्यादा प्रकाश जाता है, लेकिन ऐसी आंखें अच्छे से फोकस नहीं कर सकती और ना ही अपने सॉकेट में घूम सकती हैं। शायद यही वजह है कि उल्लू अपने सर को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। आपने ऐसे बहुत से जानवर भी देखे होंगे जिनकी आंखें रात में चमकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी आंखों में रेटिना के पीछे शीशे की तरह की एक लेयर पाई जाती है, जिसे टैपिटम लूसिडम कहते हैं। जो प्रकाश रेटिना से पास हो जाता है, टैपिटम उसे फिर से रेटिना की तरफ मोड़ देता है, ताकि रेटिना को उसे देखने का एक और मौका मिल जाए।
और इन सब तरीकों की मदद से प्रकृति ने ऐसे बहुत से सुपर हीरो बनाए हैं जो अंधेरे में देख सकते हैं। तो आप कौन सी सुपर पावर चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही विज्ञान से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।